चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव हरदम सुर्खियों में ही रहते हैं। अब लालू का जरा सा शुगर क्या बढ़ा, खबरों की दुनिया में लोगों ने चर्चा का विषय बना लिया। दरअसल रिम्स में इलाजरत लालू प्रसाद ने चिकित्सकों के इजाजत के साथ ही मालदा आम खा लिया था। आम क्या खाया, शुगर का लेवल भी बढ़ गया। अब चिकित्सकों ने देखा कि आम खाने के बाद शुगर का लेवल बढ़ा है, तो इंसुलिन की मात्रा थोड़ी बढ़ा दी गई। लेकिन यह खबर तब सामने आई जब मुलाकाती शनिवार को लालू से मिलने पहुंचे। उसके बाद जब लालू प्रसाद के डॉक्टरों से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। लालू यादव तो ठीक ही है, मेडिकली शुगर थोड़ा सा भागा है हल्का, वो एक आम खा रहे हैं मालदा आम, हम लोग अलाउ किए हुए हैं, थोड़ा सा इंसुलिन रिक्वायरमेंट बढ़ा है, 2 यूनिट 2 से 4 यूनिट, तो अपेक्षित था चूँकि हम लोग आम अलाउ किए हुए हैं, एक मालदा आम, और वो सब बीपी वगैरह ठीक है। नया एक ईसीजी मशीन प्रोक्योर कर लिया गया है, कल उसका टेंडर खुला और एक ईसीजी मशीन पेइंग वार्ड के लिए नया बिल्कुल 12 चैनल का वो आ जाएगा। अगर बढ़ा हुआ है क्योंकि वो आम खा रहे हैं, तो क्या आम बैन? ना ना, आम हम नहीं बैन करते हैं। शुगर के मरीज को हम आम नहीं बंद करते हैं, सिर्फ रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि एक मालदा आम हम हर शुगर के पेशेंट को, हम एक साल लोग जिंदा रहता है तो मालदा आम खाता है, तो एकदम बैंड कर दीजिएगा, लाइफ एकदम वेजिटेटिव हो जाएगा, तो कुछ आनंद नहीं रह जाएगा जीवन का। तो मालदा आम 1 जून में हम लोग 30 दिन हम पर्सनली हम लोग अलाउ कर देते हैं, और थोड़ा सा शुगर का अब उसको बाकी कहते हैं कि आप चावल रोटी कम कर दीजिए, कार्बोहाइड्रेट कम कर दीजिए। और इनके मामले में तो हम लोग चूँकि इंसुलिन दे रहे हैं हाई डोज पे 82 यूनिट दे रहे हैं, तो जब से आम खा रहे हैं तो 84-86 यूनिट इंसुलिन लग रहा है, अपेक्षित था वो 2-4 यूनिट बढ़ेगा ये आम खाने से, तो बढ़ा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ब्यूरो न्यूज़ सबरंग समाचार।